हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और ये वायरल क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है थोड़ी सी हटकर होगी हमारे चैनल से, फिर भी ये एक मोटिवेशनल के तौर पर आप इसको ले सकते हो। दरअसल इस महिला का नाम है रेनू मंडल, जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। और फ्रेंड्स, एक समय था इनके पास भी कि इनके पास एक वक्त को खाने की रोटी नहीं रहती थी, और आज इनके पास लाखों करोड़ों रुपए होने वाले हैं और ये हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, आखिरकार ये रातों रात इतनी वायरल कैसे होगी, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप इस वीडियो को मोटिवेशनल के तौर पर ही लें। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो है वेस्ट बंगाल में रहती हैं। ठीक है, और वहाँ के एक रोनू घाट जो स्टेशन था वहाँ पर ये उस ट्रेनों में जाकर गाना गाकर कुछ पैसे कमा कर अपने ज़िंदगी को चलाती थी। ठीक है, एक वक्त खाने के लिए इनके पास रोटी भी नहीं होती थी, तो कभी इनको एक कप चाय की भी नसीब होती थी। ठीक है फ्रेंड, तो आज जो ये है, आज ये बहुत ज़्यादा वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि इनके पास एक टैलेंट है, वो सिंगिंग का टैलेंट। ठीक है, अपने सिंगिंग के टैलेंट के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा अभी मुकाम हासिल कर लिया है। और इनके पीछे जिसका भी हाथ है वह बहुत ही नेक इंसान है, उनका नाम है हिमेश रेशमिया। ठीक है फ्रेंड, जो हिमेश रेशमिया है इन्होंने इनको चांस दिया है बॉलीवुड में और ये एंट्री हो चुकी है इनकी अब। और ये जो है अभी हिमेश रेशमिया के साथ एक जो गाना है तेरी मेरी ऐसे करके कुछ गाना है, उस गाने को साथ में गा रही हैं। ठीक है, दरअसल हुआ ये था कि ट्रेन में जब ये गाना गा रही थी, लता मंगेशकर का एक गाना था। ठीक है, तो उस गाने को किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर फेसबुक पे दे दिया था और वह जो गाना था वो रातों रात वायरल हो गया। तो सारे गांव पास है इनको ऑडिशन के लिए, डायरेक्ट ऑडिशन के लिए, बिना ऑडिशन के मतलब इनको बुला लिया गया। ठीक है, तो वहां से जब हिमेश रेशमिया जी को पता चला कि यह इसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, तो उन्होंने इसको मौका दिया एक अच्छा सा गाना गाने के लिए। तो आज ये वही गाना उनके साथ शूट करती हैं और ये गाना शायद शूट हो चुका है और ये बहुत जल्दी रिलीज़ ही हो जाएगा। और आज वो जो रेनू मंडल है उनकी कहानी के चार चांद लग चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, और आजकल युवा के जो आजकल के युवा हैं उनके अंदर एक इस कहानी से मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी, मेरे को ये उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी है अपने टैलेंट के ऊपर होता है, अपने टैलेंट को निखारिए, आपको भी बहुत सहायता मिलेगी इस चीज़ से। क्या पता आपकी भी किस्मत हो जैसे रोनू मंडल जी की किस्मत थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो वीडियो है ये दरअसल मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं जो आजकल के युवा हैं उनके जो दिल है उनके अंदर मैं एक ऐसी आवाज़ ऐसी जो उत्पन्न कर सकूं। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में या कहीं भी आप इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि उसके अंदर भी कोई एक टैलेंट हो, वो भी अपने टैलेंट को छुपा रहा हो पर वो ऐसा ना कर पाए। ठीक है फ्रेंड, उससे उसको फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड, तो जय हिंद, इस वीडियो में इतना ही।